हेलो फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब चैनल बाग बगीचे एंड मोर में आपका स्वागत है। ये जो खूबसूरत सा प्लांट आप देख रहे हैं, इसका नाम है ऑर्नामेंटल चिली और इसको ऑर्नामेंटल पेपर के नाम से भी बोला जाता है। अगर आप नर्सरी में ये पौधा लेने जा रहे हैं तो नर्सरी वाले से आप बस ऑर्नामेंटल चिली नाम बोलकर प्लांट्स ला सकते हैं। ये बीज से भी लगाया जाता है और इसकी कटिंग भी लगती है। बीज से लगाने का टाइम इसका मई का है, यानी कि स्टेम इसके आप बीज बो दीजिए और 2 महीने बाद जुलाई में इस पर मिर्च आनी स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन जो प्लांट्स लगे हुए हैं उन पर तो मई के स्टार्ट से ही मिर्च आनी शुरू हो जाती हैं। बहुत ही खूबसूरत स्टेम आई हुई है इन पे मिर्चे। इसका जो फ्लावर होता है व्हाइट कलर का होता है और इसके फ्लावर्स कई हफ्ते तक इसके प्लांट्स पर लगे होते हैं। ज्यादातर जो मिर्चे होती है वो नीचे को लटकी होती है, लेकिन इसकी मिर्चे बिल्कुल ऊपर सीधी खड़ी होती है। देखिए, ऐसे बिल्कुल जैसे बर्ड्स लगी हो। और ये बहुत ही खूबसूरत कलर में होती है, ऑरेंज, रेड, पर्पल। इसका पर्पल कलर तो बहुत ही सुंदर लगता है। हाइट की बात करें तो इसका प्लांट 1 फीट के करीब होता है और इसको कम से कम 4-5 घंटे की धूप तो मिलनी चाहिए डेली। देखिए कितना खूबसूरत पर्पल कलर, बर्ड्स लाइक। छाया में इस पर फ्लावरिंग नहीं होगी तो 4-5 घंटे की धूप इसे जरूर मिलनी चाहिए। और पानी इसको आप हिसाब से दें, इसकी जमीन में मॉइस्चर होना चाहिए, ना इसमें ज्यादा पानी दें और ना इसको सूखा रखें। गमले की सोयल को मॉइस्चर होना चाहिए गमले में। ये एक फैंसी पौधा है और इसकी मिर्चे लंबे और राउंड दो शेप में होती हैं। देखिए राउंड और लंबे, ये पक चुकी है। इन दिनों आप इसमें बीज पक चुका है और इन दिनों आप इसको बो दीजिए। इसकी मिर्चे खाने में बहुत ही तीखी होती हैं, बहुत स्पाइसी। तो अगर आप इसकी मिर्चे खाएं तो बहुत ध्यान से। अब इसकी मिट्टी की बात कर लेते हैं तो इसके गमले में आप गार्डन सोयल लीजिए और 1 मुट्ठी वर्मी कंपोस्ट डालकर इसकी सोयल तैयार कर लीजिए और इसमें बीज बो दीजिए। बहुत ही इजी लगने वाला प्लांट है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप भी अपने बगीचे में लगाइए ऑर्नामेंटल चिली, आपके बगीचे की शोभा बढ़ जाएगी।